नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा के पिनाहट बाह और जैतपुर ब्लॉक क्षेत्र परिसरों में गरीब कल्याण दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान पिनाहट ब्लॉक परिसर में विधायक पक्षालिका सिंह ने गरीब कल्याण मेले का फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी दी। इसके साथ ही गांव में साफ सफाई व्यवस्था पर ध्यान देने, बीमारियों की रोकथाम के लिए ग्रामीणों को जागरूक भी किया गया। वहीं इस गरीब कल्याण मेले के दौरान ब्लॉक परिसर में लगी दुकानों पर ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताकर उनका समाधान भी जाना। तो आगरा में गरीब कल्याण दिवस का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। विधायक ने फीता काटकर इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तमाम जो दुकानदार थे यहाँ पर मौजूद रहे। ऐसे में जो उनकी समस्याएं थी उनको लेकर समाधान का आश्वासन यहाँ पर दिया गया है। बरेली के बारादरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां बारादरी पुलिस को सूचना मिली कि एक घर में नकली गगन गुटखा तैयार किया जा रहा है, जिसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मकान पर दबिश देकर मकान मालिक अनीश को मौके से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि अनीश के घर से पुलिस द्वारा बड़ी मात्रा में गुटखों के खाली पैकेट, 100 बोरी नकली गुटखा और नकली गुटखा बनाने के उपकरण, गुटखा पैकिंग मशीन, अन्य उपकरण और भारी मात्रा में नकली गगन गुटखा बरामद किया गया। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना बारादरी के अंतर्गत एक पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक घर के अंदर कुछ लोग नकली गुटखा और तंबाकू का निर्माण कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा इसमें वहाँ पर छापा मारा गया तो पता चला कि वहाँ पर एक व्यक्ति है, इसका नाम है अनिल शर्मा। इसने वहाँ पर एक पैकेज, जो गुटखा और तंबाकू पैकेज करने की एक छोटी मशीन वहाँ पर लगाई हुई थी, और वहाँ पर हमें एक बोरे में गुटके जो बने हुए गगन मेक के गुटखा हैं, और साथ ही साथ एक बोरे में तंबाकू प्राप्त हुआ है, और वहाँ पर एक बोरे में नकली रैपर जिसमें ये उसे पैक करके, साथ ही साथ उसमें जो पैक करने की जो मशीन है वो भी वहाँ पर बरामद हुई है। पुलिस के द्वारा इसमें धारा 420, 467, 468, 471 और 272, 273 और कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, और पता चला कि इसमें पूर्व में भी कुछ लोग इसमें शामिल थे और उनके द्वारा ये मशीन यहाँ पर स्थापित की गई थी। अन्य लोगों के लिए छानबीन की जा रही है, उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। तो क्या ये नामचीन कंपनियों के नाम पे बनाता था, किस तरीके से? हाँ, ये वहाँ पे जो हमें मिला है वो गगन जो कंपनी है उसका एक गुटखा वहाँ पे नकली सामान बनाते थे। वही एटा में मेडिकल कॉलेज में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ कर दिया गया है। इस ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने फीता काटकर किया। आपको बता दें कि प्लांट सांसद और विधायक निधि से लगाया गया है। इस ऑक्सीजन प्लांट की कैपेसिटी 1000 किलो पर मिनट है। इस दौरान सांसद राजवीर सिंह मीडिया से भी रूबरू हुए। जब उनसे जिले में बुखार से हुई 18 मौतों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से इस बारे में बात करेंगे। वहीं सरकार के नारे गड्ढा मुक्त सड़कों पर, उन्होंने कहा कि सरकार ने ज्यादातर सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया है और अगर कोई सड़क रह गई है तो उसे भी जल्द दुरुस्त कराया जाएगा। बता दें कि इस दौरान मेडिकल कॉलेज में डीएम, एसएसपी समेत सभी विधायकगण मौजूद रहे। देखिए, अभी तक कोरोना में जो समस्या आ रही थी वो पूरे देश में, प्रदेश में भी ऑक्सीजन की आ रही थी। हम सब लोगों ने मिलकर गवर्नमेंट के सहयोग से, मैंने अपनी निधि से, हमारे विधायकों ने अपनी निधि से भी पैसा लिया। सवाल का कट कर आज इस ऑक्सीजन प्लांट का आज उद्घाटन हुआ है, मेरा सौभाग्य है। और इसकी कैपेसिटी 1000 किलो पर मिनट की है। इतनी कैपेसिटी है कि यहाँ पर शायद अभी खर्च नहीं हो पाएगी। संता जी, अब तक वायरल डेंगू बढ़ रहा है, करीब 18 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है, प्रकोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और सीबीसी मशीन जो यहाँ के हॉस्पिटल की वो करीब एक सप्ताह से बंद है, लोग जो परेशान हैं उसको लेकर के, उस पर आपकी क्या रहेगी? देखिए, मैं अभी बाबूजी के दाह संस्कार से अभी मैं निवृत्त हुआ हूँ, अभी मैं 2 महीने से यहाँ भी नहीं आ पाया। अब मैं लगातार यहाँ रहूँगा, मैं अभी डॉक्टर साहब से बात करूँगा, डीएम साहब से बात करूँगा, अगर कोई किसी की समस्या है तो उसका तुरंत समाधान कराएंगे। एक सवाल और हमारे जैसे कि जब बीजेपी की सरकार बनी थी 2017 में तो योगी जी ने कहा था कि सड़कें सारी गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, उसके बाद अभी फिर उनका एक ये कहा है अभी जो चल रहा है कि गड्ढा मुक्त, तो यहाँ पे ऑन गार्ड जो इटा पे लेकर के जो है काफी निकाला पक्का है, यहाँ वाला जो अभी तक खराब है, कई लोगों ने कहा कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं, डेथ तक हो गई, उस पर आपका क्या स्टैंड है?
देखिए ऐसा आ गया, गड्ढा मुक्त सड़क का जो इरादा दिया था वो हमने लगभग लगभग पूरा कर दिया है। कहीं बाद के लिए ऐसी कोई जगह बची होगी तो उसको भी देख लेंगे। आगरा में बाइक चोरी करते एक चोर को पब्लिक ने दबोच लिया और फिर जमकर उसकी पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी चोर ब्लॉक कार्यालय के बाहर से बाइक चुरा रहा था। इस दौरान वहां मौजूदा कुछ लोगों को उस पर संदेह हुआ, जिस पर लोगों ने उसे पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। बता दें कि चोर की पिटाई के बाद लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले भी कर दिया। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर में एक युवक नहा रही लड़की का वीडियो बना रहा था। इस दौरान लड़की ने उसे ऐसा करते देख लिया और शोर मचाने लगी। वहीं लड़की के शोर मचाने पर मोहल्ले वालों ने युवक को दबोच लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। वहीं किसी ने मंचुली की पिटाई का वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। हमीरपुर के मौधा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिला किस तरह से उसकी चप्पलों से पिटाई करती हुई नजर आ रही है। उत्तरकाशी नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट की तरफ से रामलीला मैदान उत्तरकाशी में आयोजित काशी विश्वनाथ फुटबॉल रनिंग टूर्नामेंट के समापन फाइनल समारोह में पूर्व विधायक विजयपाल सजवान बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। पिछले 5 दिनों से चल रहे इस फुटबॉल टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें बाड़ाहाट और व्यापार मंडल की टीमें अपने दमदार खेल की बदौलत फाइनल में पहुंची। फाइनल के रोमांचक मुकाबले में व्यापार मंडल की टीम ने बाड़ाहाट की टीम को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट अपने नाम किया। विजेता और उपविजेता टीम को मुख्य अतिथि की तरफ से ट्रॉफी और पुरस्कार वितरण कर समापन किया गया है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी के संयुक्त तत्वाधान में न्यायमूर्ति अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हाईकोर्ट मनोज तिवारी की अध्यक्षता में राजकीय इंटर कॉलेज बड़कोट परिसर में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता दिवस आयोजित हुआ। माननीय न्यायमूर्ति ने दीप प्रज्वलित कर विधिक साक्षरता शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं की तरफ से रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर रवाई वैली की संस्कृति में रूबरू कराया गया। शिविर में सदस्य सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण आर के खुलबे, जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित, एसपी मणिकांत मिश्रा मौजूद रहे। कई किसान संगठनों के आह्वान पर 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया, जिसको सफल बनाने के लिए सितारगंज कृषि मंडी में किसानों ने इकट्ठा होकर किसान सभा का आयोजन किया, जिसमें स्कूल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी और भी कई राजनीतिक दलों ने सभा में पहुंचकर 27 सितंबर को भारत बंद को सफल बनाने के लिए समर्थन दिया, संकल्प भी लिया। भारत सरकार की तरफ से 3 कृषि कानून बनाने के बाद पूरे देश के किसान 3 कृषि कानून को भारत सरकार से वापस लेने की मांग करते हुए पिछले लगभग 10 महीनों से गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं कई किसान संगठनों ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया, जिसको सफल बनाने के लिए सितारगंज में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कई राजनीतिक दल और स्कूल एसोसिएशन व्यापार मंडल ने पहुंचकर अपना समर्थन भी दिया है। ये जैसा आपको सबको पता है 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुका है बॉर्डरों पर बैठे। 3 काले कानून, कृषि काले कानून जो बने हैं उनको वापस रिपील करवाने की मांग है उनकी, लेकिन 600 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। अभी तक सरकार ने बिल्कुल भी कोई संवेदना व्यक्त तक नहीं की है। उसी संबंध में आज लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा रखता है, उसी परिप्रेक्ष्य में ये भारत बंद का आह्वान 27 तारीख को उन्होंने किया था। और हमें ऊपर से आदेश मिला था कि संयुक्त किसान मोर्चा का कि सभी दल जितने भी हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, विपक्षी दल जितने भी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सभी के सहयोग से बंद को पूर्ण रूप से सहयोग उनका सफल बनाना है। इसी संबंध में सभी दलों को आह्वान किया था और क्षेत्र के किसानों को, उसी संबंध में ये बैठक थी। और 27 तारीख को हम लोग चाहेंगे कि पूर्ण रूप से बाजार बंद हो। 27 सितंबर को पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया है। उसी के उपलक्ष्य में आज सितारगंज में
स्कूल एसोसिएशन, व्यापार मंडल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, सभी लोगों को और अन्य राजनीतिक दलों को बीजेपी को छोड़कर सबको बुलाया गया है और सबने यहाँ पर भारत बंद में अपना समर्थन देने का आह्वान किया है। पूर्ण रूप से जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड और सितारगंज तहसील पूर्ण रूप से 27 तारीख को बंद रहेगा और इस सरकार के खिलाफ जो भी संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान दिल्ली से आता रहेगा उसको किसान साथी यहाँ पर बिल्कुल उसको मानेंगे। मऊ में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के सहयोगियों में शिव सिंह के 4 मंजिला शॉपिंग मॉल को जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। बता दें कि इस 4 मंजिला इमारत को करीब 10 करोड़ की लागत से बनाया गया था। आपको बता दें कि थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित भीटी में 10 करोड़ से बनी शॉपिंग मॉल को बिना नक्शा पास कराए ही बनाया गया था, जिस पर नियत प्राधिक ने इमारत को अवैध घोषित करते हुए इमारत को गिराने के लिए नोटिस भी जारी किया। जिलाधिकारी मऊ से अपील की थी, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर इस 4 मंजिला शॉपिंग मॉल को बुलडोजर द्वारा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। मऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्तार अंसारी के सहयोगी का ये शॉपिंग मॉल था जिसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। 10 करोड़ की लागत से शॉपिंग मॉल बनाया गया था जिसे अब गिरा दिया गया है। रुद्रप्रयाग में बिना ई पास के केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे यात्रियों को आधे रास्ते से ही वापस लौटाया जा रहा है। अभी तक बिना ई पास के पहुंचे 900 से ज्यादा यात्रियों को गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, अगस्त मुनि से वापस लौटाया जा चुका है, जबकि यात्रा पर आने वाले यात्रियों की सीमित संख्या 800 होने के कारण स्थानीय लोगों को भी रोजगार नहीं मिल रहा। जगह जगह होटल लॉन्च खाली हैं। ऐसे में केदारनाथ यात्रा से जुड़े होटल लॉन्च संचालकों ने 27 सितंबर को केदार घाटी बंद करने का निर्णय लिया। 27 सितंबर को केदार घाटी के सभी होटल लॉन्च और दुकानें बंद रहेंगी। होटल लॉन्च संचालकों का कहना है कि पास की अनिवार्यता को समाप्त करके पूरी तरह से यात्रा को खोला जाए। आप बता दें कि पिछले कई महीनों से चारधाम यात्रा पर स्टे लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद परमिशन मिल गई है, लेकिन कई तरह की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, जिसमें 800 यात्री ही सिर्फ आ सकते हैं। ऐसे में जो दुकानदार हैं, जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, वो खासा नाराज़ हैं। उनका कहना है कि सिर्फ 800 लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो होटल मालिक हैं, होटल संचालक हैं, लॉन्च संचालक हैं, जो दुकानदार हैं, उनका कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। जैसी हालत उनकी 1.5 साल पहले थी, अब भी वैसी ही है। नैनीताल में शनिवार रविवार को पर्यटकों की संख्या में जमकर इजाफा होता है, जिसके चलते यहां आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। ये स्थिति अब इतनी आम हो गई है कि एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर जाम लगना आम हो गया है। जहां आए दिन चौराहों पर लगे जाम के चलते एक और पुलिस प्रशासन को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो वहीं स्थानीय लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ये स्थिति और भी खराब तब हो जाती है जब इस दौरान बारिश हो जाती है। तो नैनीताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आए दिन जाम की स्थिति से जूझता हुआ नैनीताल नजर आता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक तो जाम की स्थिति, ऊपर से बरसात का मौसम, गाड़ियां जो हैं वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं। उत्तरकाशी में मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मातली में भागीरथी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से 5 लोग नदी के बीच में ही फंस गए। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने नदी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला। बता दें कि लोग अपने खच्चर को लेकर नदी में रेत निकालने के लिए गए थे। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के बीच भी मजदूर खच्चर लेकर नदियों के बीच से रेत निकालते जा रहे हैं, पर फिर भी जिला प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर को ये मजदूर खच्चर लेकर भागीरथी नदी के बीच में रेत निकालने के लिए गए थे, तभी अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण सभी मजदूर नदी के बीच में फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने सही सलामत बाहर निकाल लिया है।
उत्तरकाशी की तस्वीरें जहां पर नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भागीरथी नदी का भी जलस्तर अचानक बढ़ गया, ऐसे में 5 मजदूर फंस गए। बताया जा रहा है कि अपने खच्चर लेकर ये नदी में से रेत निकालने के लिए पहुंचे थे, ऐसे में जलस्तर बढ़ने से ये लोग यहीं फंस गए। हालांकि एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, इन सभी को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। नदी से रेत निकालने गए सभी मजदूर अचानक बढ़े हुए जलस्तर में फंस गए। 5 लोग ये बताए जा रहे हैं, जिसे एनडीआरएफ की मदद से बाहर निकाला गया। गढ़वाल के चमोली के विकासखंड जोशीमठ का सीमांत गांव तोलमा में लगा मोबाइल टावर मात्र शोपीस बनकर रह गया है। जहां सीमांत क्षेत्र में कुछ महीने पहले ही जियो का मोबाइल टावर लगाया गया था, ताकि ग्रामीणों को अपनों से संपर्क करने में आसानी हो सके, लेकिन जियो द्वारा टावर तो लगा दिया गया, लेकिन अभी तक जियो का टावर केवल शोपीस बना हुआ है। जब ये जियो टावर लगाया गया था, तब बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था। वह इस टावर के लगने से लोगों में खुशी का माहौल है, लेकिन अब इतना समय बीत जाने के बाद भी ये जियो टावर काम नहीं कर रहा, जिससे लोगों में काफी मायूसी देखने के लिए मिल रही है। हमारे यहाँ पे विगत कई दिनों से जियो का नेटवर्क गायब है। नेटवर्क कभी कभी पूरा आता है, लेकिन उसमें न बात हो पाती है, न नेटवर्क चलता है, और हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल में कोई जोशीमठ, गोपेश्वर, श्रीनगर, देहरादून इत्यादि जगहों पे हैं, तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक तो यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है, तो डर लगा रहता है कि बच्चे कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, तो बातचीत नहीं हो पा रही है। मेरा अनुरोध है जियो वालों से कि तुरंत नेटवर्क को सुचारू किया जाए, ताकि सभी ग्रामीण अपने बच्चों के साथ या रिश्तेदारों के साथ संपर्क में आ सके हैं। हम आजकल लगभग संपर्क से कट चुके हैं, तो मेरा जियो से अनुरोध है कि तुरंत नेटवर्क को चालू किया जाए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, टावर तो लग गया है, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहे हैं, जिससे काफी ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। दरअसल जब यहाँ जियो का टावर लगा था, तो ऐसा माना जा रहा था कि अब लोगों को एक दूसरे से संपर्क करने में आसानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है, क्योंकि टावर सिर्फ शोपीस बनकर रह गया है, यहाँ पर सिग्नल नहीं आते हैं। ऐसे में अपनों से लोगों को बात करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रदेश में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है, जहां आए दिन प्रदेश में सड़क हादसे होते रहते हैं। ऐसे ही मामले सामने आए हैं लखनऊ और हमीरपुर से, जहां लखनऊ में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक युवक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मवैया मेट्रो स्टेशन के पास की पूरी घटना है। तो वही हमीरपुर में नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सुमेरपुर थाना कस्बे के तपोभूमि के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने, लखनऊ हमीरपुर की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने के लिए मिल रहा है। 2 सड़क हादसों में 2 युवकों की जान चली गई है, और ऐसा पहली बार नहीं है। रोजाना तेज रफ्तार के कारण कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, कई बार सड़कें इसका कारण होती हैं, कई बार तेज रफ्तार, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है ठीक तरीके से वाहन नहीं चलाते, इस वजह से लोगों को कई बार हादसों का शिकार होना पड़ता है। तो दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है, और ऐसे में ये दो तस्वीरें लखनऊ हमीरपुर से सामने आई, जहां पर तेज रफ्तार की वजह से 2 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को अपने कब्जे में लिया है, लेकिन सवाल ये है कि लगातार यातायात नियमों को लेकर यातायात सप्ताह भी मनाया जाता है, जागरूक किया जाता है लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी तेज रफ्तार की वजह से लोगों की जान जाती है।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।